सीतापुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे बसा है कोरोना गांव, और कोरोना गांव के ग्रामीण हमारे संग में हैं। इनसे बात करते हैं कि कोरोना वायरस और गांव के बीच में क्या रिश्ता है और कैसी परिस्थितियां उनके सामने आ रही हैं। हमारा गांव पूरी तरीके से सुरक्षित है, हमें इससे बिल्कुल डर नहीं लगता, बस केवल यह थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। एक महामारी है, थोड़ा बचाव हम लोगों के लिए खुशहाली ला सकता है, और मेरी ईश्वर से कामना है जो दूसरे देशों में और दूसरे प्रदेशों में हो रहा है इसे भगवान जल्दी से राहत पहुंचाए। ये नियमित क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। आप ये भी कहना चाहेंगे जिस तरह से चाइना से जो वायरस निकला है उसका नाम कोरोना है, आपके गांव का नाम कोरोना है, ये मैचिंग हो रहा है, इसके बारे में कैसी कैसी परिस्थितियां आई हैं या किस तरह का माहौल है? पढ़ी लिखी भाषा में कहा जाए तो वो कोरोना है, ये कोरोना है, एक पाई मात्रा का डिफरेंस है, बाकी तो सब ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारे सीतापुर से अभी तक तो कोई पॉजिटिव ही नहीं निकला है, ऐसा चाहेगा निकलेगा भी नहीं। यहाँ के इतिहास क्या है, क्या है यहाँ के इतिहास? यहाँ पर धर्मशास्त्र से पूछा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर भगवान राम एक रात्रि का विश्राम किए जब वनवास के लिए गए। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर अरुंधति कूप और अहिल्या से संबंधित कुछ कहानियां हैं, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं हम तो वही जानते हैं। बाकी पौराणिक स्थल जरूर है, और यहाँ पर जो भगवान शिवलिंग का है वो स्वयं उद्गत है, कोई के द्वारा स्थापित नहीं है, जो एक चर्चा का विषय है, और ये युगांतों से मेला यहाँ पर लगता है पौराणिक। तो ये ग्रामीण है जिनका साफ तौर पर कहना है कि कोरोना वायरस चाइना से है, लेकिन सीतापुर का ये कोरोना गांव ऐसे ही रहना चाहिए। और कुछ और ग्रामीण है, इनसे बात करते हैं। यहाँ पर तो ऊपर वाले की ऐसी दया है कि ऐसा कुछ पौराणिक परिप्रेक्ष्य भी ले सकते हैं कि ऐसी कोई बीमारी सुनने को हमारे जिले सीतापुर में ही पूरे ऐसा कोई मरीज नहीं निकला है। और यहाँ पर हम लोग शासन प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, और जैसा कि माननीय मोदी जी ने हम लोगों को एक आदेश दिया है उस चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके और साफ सफाई करके, हैंड वॉश करके, और इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि ऊपर वाला चाहेगा तो यहाँ पर इस पौराणिक आस्था के तहत या हम लोगों के प्रिकॉशनरी तौर पर इतना हम लोग जो है एक उस चीज़ से जो है तैयारी करके बैठे हैं कि नहीं आना चाहिए। जिस तरह से सोशल मीडिया और फेसबुक पर ये खबरें सामने आई थी कि कोरोना गांव है, कुछ लोग गांव का नाम बदलना चाहते हैं या कोरोना के नाम के लेकर के आप लोगों के संग हंसी मजाक होता है, ऐसी कोई परिस्थिति सामने आई है? जी, मेरे सामने तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई। जोकिंग सेंसेशन में तो अपना अपना दृष्टिकोण है, नजरिया है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा कि नाम बदलने का कोई ऐसा कोई प्रपोजल रखा जाए, क्योंकि आज ये जन्म जन्मांतरों से मैं देख रहा हूँ बहुत ही पौराणिक और हॉली नेम जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि 84 कोसी परिक्रमा का ये प्रथम पड़ाव है, और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी जाएंगे तो नैमिषारण्य का 84 कोसी परिक्रमा का प्रथम पड़ाव स्थल के नाम से आप आज भी अगर बोलेंगे तो कोरोना नाम है, KORAUNA, और वो जो वायरस के नाम पर है CORONA है, वो कोरोना और ये कोरोना, इसमें बहुत बड़ा अंतर। तो यहाँ रहने वाले लोगों ने साफ तौर पर बताया है कि कोरोना और कोरोना में कितना अंतर है, और हमारी यही सरकार से मांगे, लोगों से मांगे कि इस गांव का नाम कोरोना ही रहे और नाम ना कभी इसका बदला जाए। कैमरामैन लवेश और सलमान के साथ मैं गौरव शर्मा, ग्लोबल भारत, सीतापुर।